Assalamualaikum, dear students, how are you? I hope all are fine and stay safe at home. We have a book of class 2 computer. Open a book and next see page number 1. अच्छा यहाँ पे आप लोगों को क्या बता रहे हैं, यहाँ पे आपको बता रहे हैं कंप्यूटर हार्डवेयर यूनिट नंबर 1 जो है हमारा कंप्यूटर हार्डवेयर है। जैसे कि हमने पिछली क्लासेस में प्रीवियस क्लासेस में हम पढ़ के आ चुके हैं कि हार्डवेयर क्या होता है। हार्डवेयर वो चीज़ें होती हैं जिनको हम देख सकते हैं और टच कर सकते हैं, सी कर सकते हैं और टच कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने पढ़ना है बेसिक पार्ट ऑफ कंप्यूटर, यानी कंप्यूटर के कौन कौन से बुनियादी हिस्से होते हैं उनके बारे में हम जानेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सबसे पहले है आपका कीबोर्ड, यानी कीबोर्ड क्या होता है, क्या होता है, आइए आपको जो है रिकग्नाइज कराते हैं कीबोर्ड के बारे में। ये कीबोर्ड क्या होता है, किस तरीके का होता है, ये आप देख सकते हैं यहाँ पे जो है कीबोर्ड मौजूद है बिल्कुल ऐसी सेम शक्ल का है जैसे कि हमें बुक में दिया गया है। अच्छा, इसके बारे में आप क्या बता रहे हैं कि ये कीबोर्ड जो है वो क्या है, एक बुनियादी हिस्सा है। क्यों? इसमें जो है बहुत सारी कीज मौजूद होती हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे जो बहुत सारे इसमें कीज अल्फाबेट्स लिखे हुए हैं, न्यूमेरिक्स लिखे हुए हैं, बाकी जो है सेमी कॉलर, इंटर शेप, बैक स्पेस, ये सारी चीज़ें जो है इसमें मौजूद नहीं है। अगर ये नहीं होता, अगर ये नहीं होता तो क्या हम टाइपिंग कंप्यूटर पे कर सकते? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि इसी के जरिए जो है हम टाइपिंग करते हैं। और कुछ अगर जब हमें लिखना होता है, जैसे लेट सपोज हमने कंप्यूटर लिखना है, तो स्क्रीन पे हम सबसे पहले क्या प्रेस करेंगे, सी करेंगे, फिर ओ करेंगे, एम करेंगे, पी यू टी आर, इस तरीके से हम टाइपिंग करेंगे। और टाइपिंग करने के लिए जो है हमारे पास ये एक ज़रूरी चीज़ मौजूद है, अगर ये हमारे पास कंप्यूटर का पार्ट नहीं होता तो हम कंप्यूटर में कुछ भी इनपुट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, अब जो है हमारे पास दूसरा हिस्सा आ गया, दूसरा पार्ट हमारे पास है मॉनिटर का। तो मॉनिटर क्या होता है कि आप जैसे कि देख सकते हैं यहाँ पे सबसे पहले आप फोकस करेंगे मॉनिटर, ये है आपका मॉनिटर। चले आप हम कंप्यूटर लैब में मौजूद है, आपको दिखाते हैं मॉनिटर, ये आप देख सकते हैं ये है हमारे पास मॉनिटर। ठीक है, अब इसके बारे में हम पढ़ते हैं। अब आप जरा ये सोचें कि घर में कौन सी चीज़ हमारे पास ऐसी है जिससे ये हम शक्ल है या उसके सेम लग रहा है। जी बिल्कुल, मॉनिटर के बिल्कुल जैसे लगता है, जैसा हमारा मॉनिटर होता है उसी शेप का जो हमारे पास मॉनिटर मौजूद होता है। अच्छा, इसकी जो स्क्रीन है वो हमें शोइंग करती है, यानी जो भी काम हम कीबोर्ड के जरिए इनपुट जो है दे रहे होते हैं कंप्यूटर को, वो सारी चीज़ें, वो सारी टाइपिंग जो है हमें मॉनिटर जो है वो शो करके दिखा रहा होता है। तो ये भी जो है हमारा एक बुनियादी हिस्सा है कंप्यूटर का। अच्छा, इसके बाद हम आ जाते हैं सिस्टम यूनिट के पास। सिस्टम यूनिट जो है आप जैसे देख सकते हैं ये है हमारा सिस्टम यूनिट, ये है हमारा सिस्टम यूनिट, आप देख सकते हैं बुक में, ये है हमारा सिस्टम यूनिट। आए चले हम लैब में आपको दिखाते हैं कि हमारे पास सिस्टम यूनिट कहाँ पे मौजूद है। सिस्टम यूनिट ये देख सकते हैं आप, ये हमारे पास जो है सिस्टम यूनिट मौजूद है। अच्छा, इसमें क्या होते हैं, इसमें जो है केसिंग्स मौजूद होती हैं और इंटरनल पार्ट्स जो है वाके इसमें मुश्तमिल होते हैं। ये इंटरनल पार्ट्स और केसिंग्स में जो है मुश्तमिल होता है, आप देख सकते हैं ये केसिंग्स मौजूद है, इंटरनल पार्ट जो है वाके आप देख सकते हैं। ये जो है सारे इंटरनल पार्ट्स ये क्या बनाते हैं, आपका सिस्टम बनाते हैं, क्या बनाते हैं, सिस्टम बनाते हैं, और ये सब मिल के जो है हमारा वर्क बनाते हैं, टुगेदर एज अ यूनिट, दे वर्क टुगेदर एज अ यूनिट। ये तमाम काम जो हम इस पर करते हैं वो तमाम काम जाके इस पर इकट्ठा होता है और वो क्या बनता है, हमारा यूनिट बन जाता है। तो आज इसके अलावा आपको ये बता रहे हैं कि सिस्टम यूनिट केसिंग, यानी आ सिस्टम यूनिट केसिंग इज़ अ बॉक्स दैट प्रोटेक्ट द इंटरनल पार्ट ऑफ अ कंप्यूटर, इट इज़ मेड ऑफ मेटल और प्लास्टिक,
मैंने आपको ये बताया कि इसके अंदर क्या मौजूद है, इसके अंदर केसिंग मौजूद है, सिस्टम यूनिट केसिंग मौजूद है। अब सिस्टम यूनिट केसिंग क्या काम करती है, तो सिस्टम यूनिट केसिंग का क्या काम होता है, सिस्टम यूनिट केसिंग का ये पार्ट काम होता है कि इंटरनल पार्ट्स को जो है ये प्रोटेक्ट करती है। और ये किससे बनी हुई है, ये मेटल और प्लास्टिक से बनी हुई है। इसके बाद आ जाते हैं हम, हमारा जो तीसरा है वो है माउस। माउस के पास चलते हैं, माउस के बारे में हम जानते हैं कि माउस हमारा कहाँ पे मौजूद है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये है इसकी डायग्राम, ये है इसकी डायग्राम, ये है हमारा माउस। अच्छा, ये भी हमारा जो है एक बेसिक पार्ट ऑफ कंप्यूटर है। इसके पास क्या होते हैं, इसके पास जो है दो बटन्स मौजूद होते हैं। आप जैसे देख सकते हैं इसके पास दो बटन्स मौजूद होते हैं और बीच में जो है स्क्रॉलिंग होती है, यानी ये इससे जो है हम बीच से हम स्क्रॉलिंग कर सकते हैं। इसका मेन मकसद क्या होता है कि ये आपको जो है एक पॉइंटर स्क्रीन पे दे देता है, जिसको हम कर्सर भी कहते हैं। इसके दोनों तरफ जो है बटन्स मौजूद है, एक लेफ्ट पे एक राइट पे। जब हमें कोई चीज़ खोलनी होती है या ओपन करनी होती है तो हम डबल क्लिक जो है एफ बटन पे प्रेस करते हैं। इसके आगे जो है हमारे पास है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, यानी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का को हम CPU भी शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं। और इसको आप क्या कहते हैं, यहाँ पे यही लिखा हुआ है, द सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट CPU इज नोन एज द ब्रेन ऑफ अ कंप्यूटर। यानी ये क्या चीज़ में है कंप्यूटर का, ये कंप्यूटर का दिमाग है। CPU को हम क्या कहते हैं, ब्रेन ऑफ अ कंप्यूटर। अच्छा, इट प्रोसेसेस इंफॉर्मेशन, इट इज इनसाइड द सिस्टम यूनिट। इसमें क्या जाती हैं, सारी चीज़ें क्या जाती हैं, इंफॉर्मेशन ये अपने पर लेता है और इसके अंदर जो है वो सिस्टम यूनिट मौजूद होता है। अच्छा, इसको आप, इसको नीचे जो आप डायग्राम देख सकते हैं, यहाँ पे एक ह्यूमन ब्रेन भी आपको बताया गया है। यानी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट जो है वो उसी तरीके से है जिस तरीके से एक इंसान का दिमाग होता है, जिस तरीके से एक इंसान का दिमाग फंक्शन करता है, उसी तरीके से ये CPU जो है वो वर्क करता है। उम्मीद करती हूँ आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। खुदा हाफिज़, शुक्रिया।